नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जो जुड़ी हुई है माता ज्वालामुखी और सम्राट अकबर से। दोस्तों, माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वाला देवी का मंदिर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में स्थित है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इसीलिए इसका नाम ज्वाला देवी मंदिर है। हालांकि इस मंदिर की एक और कथा है जो इंद्र की पत्नी शची से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में माता के मूर्ति रूप की नहीं बल्कि ज्वाला रूप की पूजा होती है जो हजारों वर्षों से यहाँ प्रज्वलित है। दोस्तों, ज्वाला देवी के मंदिर में माता की जो ज्योत प्रज्वलित है वह बिना किसी तेल के लगातार हजारों लाखों वर्षों से जलती आ रही है। वैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध किए हैं और वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ज्वाला देवी के मंदिर में जो ज्योत बिना तेल के जल रही है उसके पीछे क्या रहस्य है। कालांतर में इस स्थान को गुरु गोरखनाथ ने व्यवस्थित किया था। यहाँ प्रज्वलित ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक मानी जाती है। मंदिर के थोड़ा ऊपर की ओर जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह माता का भव्य मंदिर बनवाया था। बाद में इस स्थान की खोज पांडवों ने की थी। इसके बाद यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने घोर तपस्या करके माता से वरदान और आशीर्वाद प्राप्त किया था। सन 1835 में इस मंदिर का पुनः निर्माण राजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने करवाया था। दोस्तों, कहते हैं कि माता के उत्सव के दौरान हिमाचल के नादौन ग्राम के निवासी ज्वाला देवी के एक भक्त ध्यानु हजारों यात्रियों के साथ माता के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों को जाते देख अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और ध्यानु को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने ध्यानु से पूछा, तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो सभी लोग हैं वे सभी माता के भक्त हैं। यह सुनकर अकबर ने कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? तब भक्त ध्यानु ने कहा कि वे संसार की जननी और जगत का पालन करने वाली माता है। उनके स्थान पर बिना तेल और बाती के ज्वाला लगातार जलती रहती है। ऐसे में कुटिल अकबर ने कहा, यदि तुम्हारी बंदगी पाक है और सचमुच में तुम्हारी माता यकीन के काबिल है तो तुम्हारी इज्जत जरूर रखेगी, लेकिन यदि वह यकीन के काबिल नहीं है तो फिर उसकी इबादत करने का क्या फायदा? ऐसा कहकर अकबर ने अपने सिपाहियों को बुलाया और माता का इम्तिहान लेने के लिए उस घोड़े की जो कि ध्यानु की थी गर्दन कटवा दी। इसके बाद अकबर ने कहा, तुम अपनी देवी से कहकर दोबारा अपने घोड़े की गर्दन जिंदा करवा लेना। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा, मैं आपसे एक माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जा बैठा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातः काल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, अब मेरी लाज आपके ही हाथों में है। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को पुनः जिंदा कर दिया था। जब अकबर ने यह सब देखा तो अकबर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या किसी अन्य प्रकार की नियत से उस स्थान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख माता ज्वाला देवी के मंदिर की ओर कर दिया, लेकिन तब भी माता की अखंड ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर अकबर को यकीन हुआ और उसने वहां
सवा मन अर्थात 40 किलो सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ का अध्ययन किया और वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसा कोई पदार्थ आज तक इस धरती पर है ही नहीं। आप आज भी अकबर का चढ़ाया हुआ वह छत्र माता ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार माता ज्वाला देवी ने अपने भक्त की इज्जत रखी और अपने भक्त का मान सम्मान बनाकर रखा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।